एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का ये ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ और धूप जो है बहुत अच्छे से फैल चुकी है और लोग अपने अपने काम पर जाने लगे हैं और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज का ये जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही इजी एंड क्विक बनने वाला है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने बेसन लिया हुआ है, एक मैंने बड़े से बाउल में निकाल लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी। तो आप जितना भी ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बराबर मात्रा में सूजी और बेसन ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसके साथ ही मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मसाले, थोड़ा सा हींग पाउडर, तो मैंने यहाँ पर हींग डाल दिया है एक छोटा चम्मच, और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। और अभी मैंने थोड़ा ही पानी डाला है और उसके बाद मुझे जैसे जैसे लगता जाएगा कि इसमें पानी और डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है अच्छी सी होनी चाहिए, बहुत गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो खाना सोडा हम किचन में रखते हैं मैंने उसी को ही डाला है इसमें, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसको मिक्स कर मैं एक प्लेट से ढककर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और इसमें थोड़ी सी गांठें सी हो रही हैं तो मैंने यहाँ पर ये मथनी ले ली है, अगर आपके पास हैंड व्हिस्क है तो आप उससे भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी टिप है अगर आपको कभी भी ऐसे गांठें मिक्स करनी हो, कभी कभी हम कड़ी बनाते हैं उसमें हो जाती है, तो फिर आप इस तरीके से मथनी लेकर उसको चला दीजिए, कुछ ही सेकंड लगेंगे और जो गांठें होती हैं पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा पानी डालकर क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर और ये एकदम परफेक्ट अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। और एक प्लेट से ढककर मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए साइड रख दूंगी और जब तक ये बैटर रेडी होगा, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है तो सूजी को थोड़ा सा फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो बैटर को हमेशा पहले रेडी कर रख दीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ थोड़ा सा प्याज और टमाटर। अभी मेरे पास यहाँ पर शिमला मिर्च नहीं है तो मैं यहाँ पर शिमला मिर्च का यूज़ नहीं करूँगी, और आप शिमला मिर्च इसमें ज़रूर डालिएगा, शिमला मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने यहाँ पर इन सब्जियों को अभी कट कर लिया है और उसके साथ ये जो सब्जियाँ हैं इनको मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीस में कट किया है। तो यहाँ पर सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं और तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन और सूजी का चीला, और ये मैं लोहे के तवे पर बना रही हूँ, यहाँ पर कोई नॉन स्टिक का तवा नहीं है, कुछ नहीं है, ईजीली बन जाता है, बहुत ही अच्छे से बनेगा। और बैटर को इस तरीके से तवे पर फैला दीजिए, आप कोई बड़े साइज़ का भी स्पून ले सकती हैं, ये छोटा था तो मैंने थोड़ा थोड़ा कर डाला है। और उसके बाद थोड़ी सी जो हमने सब्जियां कट की हैं उनको इस तरीके से डाल दीजिए, थोड़ा सा ऑयल साइड में लगा दीजिए। और जब आप चीला बनाएं तो तवे पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पहले ऑयल लगाने से जो चीला है अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। और यहाँ पर मैं हल्का सा सब्जियों को प्रेस कर दूंगी जिससे कि ये सब्जियाँ जो है इस चीला के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। और इस तवा में हैंडल नहीं है तो मैंने यहाँ पर ये सरसी ली है, इससे मैंने पकड़ा हुआ है क्योंकि तवा थोड़ा सा इधर उधर मूव कर रहा था। और इसके एक साइड में हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ ब्रश से, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से मतलब पूरे तरीके से ड्राई है, यहाँ पर ऑयल है ही नहीं। आप चाहें तो इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसमें ऑयल यूज़ नहीं करेंगे तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। आप बिना तेल की एक बूंद यूज़ किए हुए भी इस चीला को बनाकर खा सकते हैं, अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड चीला बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और चीला जैसे ही दो तीन बनकर तैयार होंगी इतनी देर में चाय बन जाएगी, तो दूसरी गैस पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और उसमें मैं अभी थोड़ा सा चीनी, चाय की पत्ती ये सब डालकर रख दूंगी। और इधर दूसरी साइड चीला जो है सिक रहा है और मैं दूसरी साइड से चीला को जो है लो फ्लेम पर सेक रही हूँ,
क्योंकि ये जो सब्जियां हैं अच्छे से पक जाएं, और आपको दिख रहा होगा इजीली कितना अच्छे से पलट गया और इसकी जो सब्जियां थी बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। तो मैं इसे यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर तवा को क्लीन कर रही हूँ। तो हल्का सा चीला जो है तवा पर लग गया था, तो इस तरीके से आप करछी से पहले इसे हटा दीजिए और उसके बाद हल्का सा ऑयल तवे पर लगा दीजिए और उसके बाद ये जो बैटर है इसको मैं तवे पर फैला दूंगी। और बैटर को अच्छे से फैलाने के बाद ये जो वेजिटेबल्स मैंने कट किए हैं इनको डाल दूंगी। आज यहाँ पर शिमला मिर्च नहीं, आप शिमला मिर्च ज़रूर यूज़ कीजिए, शिमला मिर्च बहुत बहुत अच्छा टेस्ट लाती है इस चीला में। और ये मैं अक्सर बनाती हूँ, मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं हल्का सा ऑयल सब्जियों के ऊपर डाल रही हूँ, चीला की साइड में डाल रही हूँ जिससे कि अच्छे से सिक जाए। और ये जो चीला है इसको मैं मीडियम लो फ्लेम पर ही सेक रही हूँ, इसको हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है अदरवाइज़ ये जल जाएगा। और इसको मैं अब पलट दूंगी और आप देख सकते हैं नीचे से बहुत अच्छे से सेक गया है। और इसकी दूसरी साइड में हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है जिससे कि जो सब्जियां हैं उनको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस ब्रेकफास्ट को सर्व कर लिया है टमाटो केचप और चिली केचप के साथ और साथ में एक कप चाय। इस तरीके का ब्रेकफास्ट अगर घर में बनेगा तो किसी के भी मुंह में देखकर पानी आ जाएगा। और आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के गुड आफ्टरनून, अभी 12 बज गया है और ये ब्लॉग मैं आपके साथ बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अब मेरी तबीयत कैसी है, घर में सबकी तबीयत कैसी है, बच्चों की तबीयत कैसी है, इनकी तबीयत कैसी है। तो अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा आराम है, बच्चे पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक मैं भी ठीक हो चुकी हूँ। और इनको अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनके बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स निकली थी इसलिए ये पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं है, इनको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और जब चिकन पॉक्स हो जाती है तो उसके बाद फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। परसों मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, मैंने बोला था कि मैं कंटिन्यू आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, कल मैंने स्टार्ट किया था, फिर वो मतलब स्टार्टिंग के बाद ही तुरंत छूट गया, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है, फिर कुछ ज़्यादा काम करने का भी मन नहीं करता है, तो इसलिए कल कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाया। और आज मैंने मॉर्निंग से ही सोचा था कि मैं आपके साथ एक अच्छा सा ब्लॉग शेयर करूँगी, डेली नहीं तो एक दो दिन में एक ब्लॉग तो शेयर कर सकती हूँ, बट आपको मतलब मेरे फेस से ही दिख रहा होगा मतलब क्या कुछ हुआ है। मुझसे पहले आप लोगों को सबको पता चल चुका है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान कर कर रखा हुआ है। और कल नाइट से 12 बजे के बाद से मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया है कि कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं कि अपने सब्सक्राइबर को कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुना दो और फिर आकर वही सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर मुझे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। यहाँ तक कि मैं कम्युनिटी में कुछ भी अच्छे मैसेजेस पोस्ट करती हूँ उसमें भी लोग आकर उल्टा सीधा आपको बोलने लगते हैं कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। और कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग अपने वीडियोस में मेरे लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जिन सब्सक्राइबर ने मुझे बोला, मैंने आपकी बात पर गौर किया और उन लोगों के वीडियोस को भी चेक किया कि कौन क्या बकवास कर रहा था, उनकी कम्युनिटी को भी चेक कर लिया कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। तो दूसरों की लाइफ को बोरिंग और सड़ी लाइफ बोलने से पहले अगर ऐसे लोग अपनी लाइफ को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अपनी लाइफ पर गौर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सड़ी और बोरिंग किसकी है ये मैं यहाँ पर बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती। क्योंकि कैमरे पर एक हैप्पी लाइफ दिखाना और कैमरे के पीछे की लाइफ को जीना दोनों ही अलग दो तरीके की लाइफ मैं तो नहीं जी सकती। जो मेरी लाइफ कैमरे पर है कैमरे के बैक में भी वही है, हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। किसी के सड़ी या बोरिंग बोलने से हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बोल रहा हो बोलता रहे, उनकी लाइफ कितनी हैप्पी है कितनी सड़ी है वो खुद ही जानते होंगे, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ। और कुछ लोग कम्युनिटी पर उल्टा सीधा बोले जा रहे थे मतलब, और कुछ लोग इतना ज़्यादा हर वीडियोस पर, शायद ही अब कोई वीडियो जा रहा होगा, मतलब कुछ महीनों के बाद इतनी अति हो जाती है लोगों के अंदर, इतना पागलपन सवार हो जाता है कि मेरे वीडियोस में आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, इतना ज़्यादा लिख कर जाते हैं कि कुछ कमेंट्स
तो मैं हटा देती हूँ, मोस्टली मैं नहीं हटाती हूँ, क्योंकि मैंने किसी को बोला हुआ है कि मैं अपने चैनल से एक भी कमेंट डिलीट नहीं करूँगी, चाहे वो कोई भी हो। जब मैं प्रूफ देना स्टार्ट करती हूँ, फिर लोग मुझे ही गलत ठहराना स्टार्ट कर देते हैं और चार बातें मुझे गलत लिख कर जाते हैं, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ना मैंने पिछले 1.5 साल में बिल्कुल ऐसा किया है। मैंने जब से चैनल बनाया, जब मेरे चैनल मतलब मैंने चैनल स्टार्ट ही किया था, इतनी ज़्यादा सामने वाले को प्रॉब्लम हो गई कि इन्होंने चैनल क्यों बना लिया, कैसे हम इनके पेशेंस को तोड़ें, इनको अब्यूज़ करें, इनके चैनल को दिन भर सब्सक्राइब करें। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगी, क्योंकि आप लोग भी देखिए कितना पागलपन। मतलब किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब कोई हद से ज़्यादा बदतमीजी आपको देता है, आपके साथ देता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरी जगह कोई भी होगा उस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। मुँह से बोलकर देख लिया फिर भी समझ नहीं आ रहा है, फिर कुछ ना कुछ करना तो बनता है, लिखना तो बनता है कि हाँ ये इंसान ऐसे क्यों कर रहा है। उसके साथ ही और इतनी अच्छी अच्छी चिट चैट उनकी कि मतलब सामने से पता नहीं चलता इंसान फेस से कहता है, बहुत अच्छे मीठे से बोलेगा, पीछे पीछे उसके मन में क्या चल रहा है ये हर कोई नहीं जान सकता। और कोई इतनी ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा बदतमीजी दे दे, मतलब लोग कहते रह गए कि इनको ना व्यूज़ मिलेगा ना पैसा मिलेगा। मतलब व्यूज़ में मिल गए, हाँ तो पैसे भी मिल गए, अपना चैनल भी मैंने चला लिया अपनी मेहनत से, अपने दम पे, ना कि किसी का नाम यूज़ करके। मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, अभी मेरा चैनल बहुत प्रोग्रेस पर नहीं है, लेकिन जितना है मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इस चैनल से मेरे घर की रोजी रोटी नहीं चल रही है। जिनकी चल रही है वो सोचें कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, सिर्फ अपने शौक़ के लिए यहाँ पर वीडियोज़ पोस्ट कर रही हूँ, किसी उस पर नहीं कर रही हूँ कि हाय मेरे घर की रोजी रोटी इससे चल रही है, मेरे घर का किराया इससे निकलना है, मेरे घर के खर्चे इसी से जाने हैं। जिनके घर के जाते हैं वो सोचें कि उनके घर के खर्चे कैसे जाने। अब मैंने चैनल चला लिया, मुझे लोगों के साथ बात करना, उनके साथ वीडियोस पोस्ट करना अच्छा लगता है, तो मैं करूँगी। और किसी के भी कुछ भी करने से मैं अपना चैनल बंद नहीं करने वाली हूँ। मतलब लोगों ने बताया है कि लोग वो ऐसे कर रही हैं, मतलब हद हो गई। अपने आप को ना देखो कि तुम कैसी हो क्या हो, मतलब सामने वाले को बताओ कि तुम इतने बुरे हो। अपने सब्सक्राइबर को जो मर्जी आए, मैं आज भी यहाँ पर बोल रही हूँ, मेरे बारे में कुछ भी अपने सब्सक्राइबर को उल्टा सीधा बोलने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि बहुत हो गया फैमिली प्रेशर। मैं यहाँ पर अपनी इमेज लोगों के सामने ख़राब नहीं कर सकती कि तुमने बोला, 4 गालियाँ लोग आए लिख के चले गए, मैं क्यों किसी के लिए गालियाँ खाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं गालियाँ क्यों खाऊंगी, तुम्हारे लिए तो मैं गालियाँ बिल्कुल नहीं खाऊंगी। जो लोग तुम्हें अव्यूज़ करते हो, तुम्हें फेक आईडी से कमेंट्स करते हो, उनके खिलाफ जाओ, एफआईआर करो, सबके नंबर्स निकलवाओ, क्योंकि जो लोग करते हैं उनके खिलाफ़ एफआईआर करोगी, मेरे खिलाफ़ नहीं कर दोगी। मैंने आज तक इतने सालों में ना एक कमेंट किया है ना कुछ करूँ, मुझे क्या करना। जो इंसान मुझे देखना पसंद नहीं है, मतलब मैं उसको क्यों देखूंगी, मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती। जो इंसान मेरी नज़रों से एक बार उतर गया, उसको मैं दोबारा अपनी लाइफ में कभी भी देखना पसंद नहीं करूंगी। बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है और अब मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मैंने आज एक कम्युनिटी शेयर किया है, इसके साथ ही अगर और भी कुछ बहुत कुछ होता रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास लोगों को दिखाने के लिए, सब कुछ शेयर करूंगी गाइस। तो आज का मेरा मूड मॉर्निंग से बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और मतलब इतने अच्छे मूड से मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ अच्छा सा एक ब्लॉग शेयर करूंगी। और वीकनेस आ गई है, तो 1 घंटे के लिए भी ऊपर जाते हैं ना तो इतनी थकान हो जाती है कि कल मैं गई थी, मैंने 2 अलमीरा सेट की, उसके बाद मैं नीचे आ गई, और आज भी मुझे ऊपर जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई। और ये चले गए हैं अभी बच्चों को लेने के लिए, अभी खाना बना नहीं है, लंच बनेगा। और तो चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, जब मेरा मूड अच्छा होगा तो फिर इवनिंग में।
पर मेरा लंच भी रेडी हो चुका है और कार्तिक भैया का मैंने अपनी ड्रेस उतरवा ली है दादी से है मैंने ना बैट अपने आप उतार ली अपने आप और आज काव्य कैसे कलर की फ्रॉक पहनेगी माँ पिंक पिंक कलर की पहनेगी तो चलिए गाइस अभी बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो मैं पहले इनको रेडी कर देती हूँ उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ बज रहा है 7 और मैंने अभी अपना लाइव एंड किया है मुझे नहीं पता था कि मैं आज आपके साथ लाइव करने वाली हूँ और मैं लाइव से पहले यहाँ पर रेडी हो गई थी और मैंने यहाँ पर ये साड़ी पहनी हुई है क्योंकि मुझे मेरे पास में जेठ जी रहते हैं उनके घर पर कथा हो रही है उनके बेटे का पट्टी पूजन है तो मैं उनके घर जा रही हूँ और यहाँ पर मम्मी भी हैं मम्मी जी हेलो कर दीजिए और मम्मी जी अभी यहाँ पर रहेंगी मम्मी जी नहीं जाएंगी मम्मी को थोड़ा सा पैरों में दिक्कत है और अभी अंधेरा भी हो गया है बाहर बच्चे और ये जा चुके हैं पापा जी मम्मी दोनों लोग घर पर हैं और मैं जल्दी से वहाँ होकर आती हूँ उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ वापस आ गई हूँ और जो भी प्रसाद वगैरह था हम सब लोगों ने खा लिया है और वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने इनको भी मार्केट भेजा था तो ये बच्चों का थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं जो बच्चों को मदर्स डे का कार्ड बनाना है उसके लिए काव्या के स्कूल में स्माइली वगैरह ये लेकर आए हैं अभी और भी चार्ट पेपर वगैरह ये सब छोटू सा ही बनाना है बहुत बड़ा नहीं एक छोटा सा पेपर बस बच्चों से ही बनवाऊंगी इसको मैं नहीं बनाऊंगी वैसे तो अभी तक मैं बनाती थी काव्या का और कार्तिक की भी हेल्प करती थी लेकिन अब मैं कार्तिक से बनवाऊंगी काव्या के लिए तो कार्तिक बना देगा कार्तिक की ड्राइंग बहुत अच्छी है और दोनों बच्चे जो है भाभी के घर पर ही हैं भाभी खाना खाने के लिए बोल रही थी और मुझे भी बोल रही थी लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा जी ये सब लोग थे तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ डिनर का टाइम हो गया है तो मैं घर पर जाकर पहले सब लोगों के लिए डिनर बनाऊँगी और जब तक मैं आई हूँ मम्मी ने यहाँ पर मेरी हेल्प कर दी है तो सब्जी वगैरह सब कुछ बनाकर रख दी है तो बस अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर में अपने कपड़े चेंज कर कर खाना बनाऊँगी और जैसे कि अभी चिकन पॉक्स वगैरह हुई थी तो अभी ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े मैं नहीं पहन पा रही हूँ लेकिन भाभी के घर जाना था और यहाँ पर सब लोग साड़ी पहनते हैं तो मैं साड़ी पहन कर गई थी और आज आप लोगों के साथ लाइव कर कर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर कर और आप लोगों ने जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए और जो भी मुझे अच्छे कमेंट करते हैं जो भी मुझे अच्छी बातें बताते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच और आप लोग बहुत अच्छे हैं आपसे लाइव कर कर ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और उस टाइम पर पता नहीं क्या या तो फिर वो आइडियाज़ कैसी हैं या फिर मतलब जो लोग कमेंट कर रहे थे मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी और जो भी मैं मैसेज टाइप करती थी तो वो जा नहीं रहा था किसी किसी की आईडी पर जा रहा था हर किसी के पास नहीं जा रहा था और काफ़ी सारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट किए जा रहे थे आपने तो देखा ही होगा और आज ये लाइव और आज का कम्युनिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और
अब मैं थोड़ा सा मतलब ठीक ही फील कर रही हूँ कि चलो सामने वाले तक मेरी बात पहुँची, तो आप लोगों तक मेरी बात पहुँची, तो लोग आकर कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, वो सिर्फ मैं देखती हूँ और जो कमेंट मैं हटा देती हूँ वो लोग तो कोई नहीं देख पाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट रह जाते हैं, तो आप लोग भी देखते हैं कि किस टाइप के कमेंट्स आते हैं, क्या होता है, वो मेरे काम को लेकर नहीं होते हैं बल्कि किसी और को लेकर होते हैं। और आज का दिन मेरा ठीक था, मॉर्निंग थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, सब कुछ ऐसे ही नाइट से ही मतलब कि मूड अपसेट हो गया था, और मॉर्निंग में फिर जब कम्युनिटी की बात आई थी, पहले से कुछ कम्युनिटी शेयर किए जा चुके थे, जब मैंने उनको देखा तो फिर बहुत बहुत गुस्सा आया था, और फिर मैंने उसके ही लिए कम्युनिटी आज पोस्ट किया था, और बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं अपनी बात बोलूं और लोगों को भी पता चले कि सामने वाला क्या कर रहा है। लोगों को दिल से थैंक यू, हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं जाऊँगी कपड़े चेंज करके बस डिनर बनाने के लिए, और आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।